अस्सलाम भाई वालेकुम साहब, मियां, और बिल आखिर वर्ल्ड कप का पहला हाँ हो गया। पहला अपसेट हो गया और बड़े जबरदस्त अपसेट हुआ है। ये तवक्को नहीं थी कि इतना का अपसेट हो जाएगा। मुझे तो पहला अपसेट जो वर्ल्ड कप का याद है वो 1996 का याद है। आपको तो सैफ अली साहब पुराने याद होंगे, आप पुराने आदमी हैं। यार देखो, सबसे पुरानी बात तो ये की जाए कि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत करके भी कब्जा नहीं किया था, और आज वो साबित कर दिया, कहानियों हाँ ने साबित कर दिया कि वो किसी को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देंगे। हाँ यार आप वर्ल्ड कप के वेबसाइट की बात करें तो मुझे भाई पढ़ा करें ना, क्रिकेटर मैगजीन वगैरह, 79 में पहला अपसेट रजिस्टर हुआ था, श्रीलंका ने इंडिया को हराया और इंडिया उस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत पाया था। तो उसके बाद 83 में जिम्बाब्वे ने हमारा, 83 फिल्म देखी है आपने रणवीर सिंह वाली? नहीं। बड़ी कमाल की फिल्म है, आज रात को ही देखिएगा। इसमें जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे ने 92 में हराया है इंग्लैंड को और उनको टेस्ट स्टेटस मिला। हैरत की बात देखें, श्रीलंका ने जब इंडिया को हराया तो उसकी कामयाबी में टेस्ट स्टेटस श्रीलंका को मिला। और सबसे मजे की चीज, जब 1999 में हमें बंगालियों ने बांग्लादेश ने हराया तो उन्हें भी टेस्ट स्टेटस उसके बाद। नहीं, मुझे तो 96 का भी याद है। कीनिया वेस्टइंडीज वाला मैच जो है वो बहुत ज्यादा खबरों जबरदस्त मैच था, में आया था, आपको अगर याद होगा तो। वो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो वो याद है माजी अजाब है, वो जो आयरलैंड वाला मैच था 2007 का, वो हाँ जिंदगी कभी नहीं भूलता। मतलब इतनी बड़ी टीम को यार। इतना आयरलैंड को इंग्लैंड भी हारना। हरा चुका है, 2011 में आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था और कीनिया ने भी, कीनिया भी तो बिल्कुल सेमीफाइनल में बिल्कुल पहुंचे 2007 के जहां तक मुझे याद है। तो इस रहा तरह है। के बट सिर्फ मोमेंट आज का जो मैच है ना, अगर यार, ये आज समझ के नहीं मैच की हम आता बात करें ना, तो क्या आप बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स को अगर बैठा दें तो क्या ये परफॉर्मेंस आएगी? लिविंगस्टन जो है वो मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट नहीं हो पा रहे अभी। उनके टॉप ऑर्डर तो थोड़ा बेहतर कर देते हैं अगर वो चल जाए तो। लेकिन आज अफगानिस्तान ने स्ट्रेटेजी अपनाई ना, अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजी ये थी कि उन्होंने जो है अपने विकेट कीपर एमानुल्लाह गुरबाज को विकेट कीपिंग नहीं करवाई। उन्होंने जो है वो नए खिलाड़ी को जो है वो अकरम अली खलील को लेकर आए और उसको विकेट कीपिंग दी, उससे बैटिंग भी अच्छी, 58 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज को जो उन्होंने काम दिया वो ये था कि जाके मार धाड़ कर देनी, और उसने ये किया 57 रनों पर 80 रन बना दिए, 8 चौके 4 छक्के लगाए उसने। ये जो उसने डन डाला ना इंग्लैंड के अंदर, अगर से विकेट उन्होंने बाद में ले लिया ऐसा ऐसा, लेकिन वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गए इतना कि वो उस पर डिफेंड कर सकिए। उसकी वजह क्या है? एक तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड शायद पिच को सही तरह रीड नहीं कर सका। बाद में बॉल जो है जो मुजीबुर रहमान है जो उनका फास्ट बॉल के साथ अटैक करता है बॉलिंग का, वो हर तरह की बॉलिंग कर सकता है। अगर से वो ऑफ ब्रेक बॉलर है लेकिन वो कैरम बॉल भी करता है। अगर आप उसको गौर से देखें तो वो गुगली भी करता है। गुगली जैसे लेग स्पिनर का होता है, गुगली करता है, कैरम बॉल करता है, उसके अलावा वो नए बॉल से इनस्विंग भी करता है। वो इस तरह की जो उसके पास वैरायटी है ना, उसकी वजह से इंग्लैंड वाले थोड़े परेशान रहे उसके आगे। और यही हुआ बाद में राशिद खान ने काम कर दिया, 3 विकेट उसके लिए, 3 विकेट बेन उसके लिए, स्टोक्स नहीं खेल और रहे, उनका क्या इतना क्या वजह पैसा है? बढ़ गया। बेन स्टोक्स 2-3 मैचेस तो वो तो बहुत फॉर्म में थे, आज नहीं नहीं राशिद खान बेन स्टोक को को उन्होंने वापस किया था। वो बेसिकली वनडे से रिटायर हो चुका था, तो बड़ा इवेंट है इसको उन्होंने लिया। लेकिन बेन स्टोक को जो है वर्ल्ड कप से पहले ही हिप इंजरी ने दोबारा जो है वो मुश्किल कर दी, जिसकी वजह से वो शुरू के 3 मैच नहीं खेल सका। तो अब देखते हैं आगे इंग्लैंड का जो मैच होगा साउथ अफ्रीका से 21 तारीख को, उसमें उसको खिलाते हैं नहीं है, वो रिकवर हो पाता है नहीं रिकवर हो पाता, ये बड़ा जबरदस्त जो है ना मामला होगा। मुझे लग रहा है, मुझे देख के आप अपसेट खुद हो रहे हैं क्योंकि आप ऊपर ज्यादा देख रहे हैं, मुझे कम देख रहे। आप ही को देख रहा हूँ। दरअसल आपको पता है कि जब हमने ये शुरू किया है तो किन मसाइल का सामना कभी बीजेपी चले गए कुछ हो गया।
अच्छा मैं इंग्लैंड तो उससे भी मेरा ध्यान लगा रहा हूँ। भाई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो है वो उनकी डिफीट्स हो गई, मतलब एक से ज्यादा, तो ऐसा ना हो कि ये हमें कोई तकलीफ दे आगे। यार बेसिकली जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हॉट फेवरेट करा दिया जा रहा था, तो वो तो इब्तदाई मैच हारने के बाद जो है वो अंडरडॉग हो गई है। यार पर जो डॉग करके हमको काट ना ले कहीं, डॉग बन गए। कोई काट रहा है, ये भी काट ले तो क्या हो जाएगा। हमारे लिए तो यकीनन जो ऑस्ट्रेलिया से जितना 20 के जो हमारा मैच है अब अरे जुम्मे को, उनसे तो वो काटने से याद आया, बाबर आजम ने आज केक काटा है अपनी सालगिरह। अरे भाई क्या बात करें लोगों की, इनको तो बस नहीं चलता। ये सोशल मीडिया ने इनको किंग आजम और पता नहीं क्या कुछ बना दिया है। इतनी ज्यादा जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मीडिया टीवी का कैसा है कैसा नहीं है, और बहुत अच्छे से चल रहा है ये, अभी का नहीं है कि जर एक कोई जरा सी कमजोर टीम के खिलाफ अगर मुश्किल हालत में जीत लिया आपने, अफगानिस्तान जीते, केक कट रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, ये हो रहा है लाना। और अभी भाई और जो है अगर वर्ल्ड कप फाइनल हार गए हैं तो वो स्पीच दे रहे हैं ड्रेसिंग रूम बाबर आजम के, हमें हारना नहीं है। ऐसा लग रहा है शाहरुख खान की फिल्म चल रही है कि हॉकी का मैच होने वाला है, कि ये जो हमारे पास 60 मिनट है ये से तुम्हारे फोन हैं और ये है। नहीं, सब बना क्या देंगे, करें, बाबर आजम को बस कायदे आजम बनाना रह गया, बाकी तो सब कुछ हो चुका। अब इनको तनकीद करते हैं तो इनके फैंस को भी बुरा लगता है। ये भाई परफॉर्म करें और टीम के लिए अरे आप परफॉर्म करें, मैच देखिए, जिताएं। रिजवान ने ग्राउंड में जाके अपनी जो कामयाबी थी वो गाजा के मुसलमानों को डेडिकेट की, जो आईसीसी इवेंट होने की वजह से एक मुझे खुद परेशानी हुई कि आप आईसीसी के इवेंट में पॉलिटिकल चीजें नहीं आ सकते। उसका नतीजा देख ले क्या हुआ, जब वो आउट होके जा रहे थे कल तो आवाजें लगाई गई, तो मतलब रिटेलिएशन तो है, रिजवान देख करके दरअसल मतलब ग्लव पहने जा रहे हैं 4 मिनट तक। ये तो आपको पता ही है कि बरसगीर की जो टीमें हैं खासकर पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो अगर कि हिंदुस्तान खुद को लिबरल कहता है लेकिन आपको पता है वहां भी कितनी इंतहापसंदी है। ये जो कल उसकी विकेट इससे ली, क्या नाम है, इमामुल हक की, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या ने जो इमामुल हक की विकेट ली तो उससे हाँ पहले वो दिखा रहे हैं वो फूंक मार रहे हैं बॉल को, तो वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि जनाब इन्होंने मंत्र पढ़ के जीत गया वो किया। हाँ तो हम बहुत परस्ती और इस तरह के मजहबी वाले मामला दोनों तरफ हैं। हमारे तरफ भी ऐसे मामला हैं। आप अगर रिजवान को देखें तो वो मैदान में कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो वो उनका अमल है, जाति अमल है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जाहिर बात है भाई, अगर आप क्रिकेट के मैदान में कुछ नहीं करेंगे और आप ये समझते हैं कि ये चीजें आपको कवर कर लेंगी, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। ये तनकीद आपको याद है, शहरयार खान ने अपनी बुक लिखी थी और उसमें भी उन्होंने इमामुल हक को इस पर जो है वो इल्जाम लगाया था। ये बताएं कि नवाज और शादाब इन पे क्या जादू हो गया दोनों पे, कि दोनों ही ऐसा रैली परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि परसों डेब्यू किया है। यार बेसिकली सिर्फ मसला जो है ना, मसला वो है कि हमारे यहाँ ना बहुत छोटी सी परफॉर्मेंस पर जो है वो ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इसके आगे बात करेंगे कि रवि शास्त्री और बाकी लोगों ने क्या बोला इस बारे में, विशाल चौधरी के बारे में बोला, ये क्या आगे हम बात करेंगे। लेकिन जो अभी स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं नवाज की और शादाब की, ये दोनों पीएसएल की प्रोडक्ट है, पीएसएल बीस बीस की वजह से मंजरे आम पर आए। हाँ, और उसके बाद जो है वो यहाँ बता यंग थे, बिल्कुल एनर्जेटिक भी थे, टीम में आ गए, हत्ता के टेस्ट तक खिला दिया इन दोनों को, सही है। लेकिन मजेदार बात यह कि शादाब खान ने गुजरात 4 साल से जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं है। जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते आप, तो आपको तो यही हाल होता है जो आपका हो रहा है। देखिए दूसरी तरफ है उसामा मीर, उसामा मीर भी पीएसएल ही के अंदर मंजर आम पर आया था, लेकिन वो शादाब खान की वजह से टीम में जगह नहीं बना सका और भी स्पिनर से टेस्ट में शासे शाह था। लेकिन उसने किया क्या, अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उसने 4 विकेट ली थी, उसके बाद उसने बोला कि भाई मेरी बॉलिंग में निखार जो है वो रेड बॉल क्रिकेट की वजह से आया है। मैं गया काइज़न ट्रॉफी में और मैंने वहां की मुसलसल एक ही लाइन पर बॉल करना, एक ही लाइन, टेम्परमेंट आता है ऐसे, आपकी लाइन बेहतर होती है आपकी, आपको सोचने का टाइम मिलता है, आपको बैट्समैन को फंसाने का टाइम मिलता है। ये T20 क्रिकेट के अंदर ज्यादातर विकेट तो बैट्समैन खुद तेजी की वजह से दे देता है, तो तेज शॉट खेलना होता है उसको, तेज जारियाना खेल खेलना होता है,
वो शॉट मारता है, विकेट गवा देता है। तो वनडे क्रिकेट तो बिल्कुल डिफरेंट है। वनडे क्रिकेट में तो अगर बैट्समैन को संभल के खेलना है, संभल के खेलेगा। तो भाई ये दोनों का मसला यही है कि ये रेड बॉल से जितनी खेल रहे और ये जो है शॉर्ट फॉर्मेट खेलते हैं, लीग खेलना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि हमारा काम हो जाएगा। एक दो दो टीम आप मैदान वाली जो बात है वो टी शर्ट वाली जो है वो आपको देखी होगी, उसमें क्रिटिसाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। तो मैं तो आपकी राय जानना चाहूंगा, आपकी राय क्या है इस बारे में? यार गलत है, देखो पहले भी खिलाड़ी करते थे ये सब, दोस्तियां बहुत थी। जहीर अब्बास साहब से हमारी मुलाकातें हुई है, अपना बताया कि कितनी दोस्ती है इंडियन खिलाड़ियों को और सबसे रिस्पेक्ट करते हैं। गवास्कर साहब ने कहा ना कि हम शर्ट हम भी बदलते थे, लेकिन वो कमरे में जाकर हमारे हम समझते हैं सब, जो सोशल मीडिया पे आ गया, जो वाह हो गई। फिर इससे आप अंदाजा लगाओ इनकी स्टेट ऑफ माइंड का, कि ये मैच हारे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एब्सेंट हुए हैं, और आप जाके कोहली से शर्ट दे रहे हो मैदान के अंदर, तालियां कटवा रहे हो उनकी सालगिरह पे। अगर यही कहना था कि मैं यार सालगिरह कल बहुत बुरा हम लोग ने परफॉर्म किया है, कह सकता था भाई। इमरान खान की मिसाल लो ना, बाद में के वर्ल्ड कप में उसको सामने रखो ना, कि ये शब्देबाजियां करते फिरो। नहीं तो ये तो अब आपको अभी अब देखिए, आप जब लोगों को इतना चढ़ाते हैं ना, आप कंपैरिजन नहीं किया, कंपैरिजन करना सबसे बड़ी गलत बात है। शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह ने एक पेयर बनाया, अच्छी बॉलिंग शुरू कर दी, आयुष आ गया, तो आपने उसको वसीम बकार और जो है शेब अख्तर इस तरह लोगों से मिलाना शुरू कर दिया कि ये पेयर है। ऐसा नहीं होता। रवि शास्त्री ने दो टक्की की इज्जत कर दी आपकी कल कॉमेंट्री का, शाहीन शाह आफरीदी साहब। उन्होंने बोला कि भाई आप वसीम अकरम बन कैसे, कैसे वसीम अकरम बन सकते हैं आप? वसीम अकरम को आप मतलब वसीम अकरम को और आपने देखा था, आप देखा था नया बॉल से कैसा बॉल कैसा परेशान करता था वो आपको, मतलब जो आपने विकेट ले ली वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप 2021 के अंदर, आप जो है जमीन से आसान से चले गए। आपने जो है उसको जो है वो इंग्लैंड के बैट्समैन को आउट कर दिया फाइनल के अंदर, तो आप जमीन से आसान से चले गए। आप कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। आपको अपने हद में रहना होता है। जो कोई भी ऐसा करेगा, देखें अगर मोहम्मद आमिर भी अपने कॉलर से बाहर निकला तो उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट की। हर खिलाड़ी पर बैठ कर चाहता है, लेकिन वो जो मशहूर आप है ना कि क्लास परमानेंट होती है और फॉर्म टेम्परेरी होती है, तो ये जो मामला है ना, ये जो मामला है ये आपको इसको अपनाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप तस्वीरें खिंचवाएंगे लोग पागल हो जाएंगे आपके लिए। सोशल मीडिया ने बेसिकली इतना कर दिया। सही, हमारे भी यही जज्बात हैं हमारे खिलाड़ियों के बारे में। ये बताओ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में आप किसको हरा रहे? पाकिस्तान किसका जो मुकाबला है यार, देखिए इंग्लैंड से तो सबसे आखिरी मुकाबला होगा और आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला मैच जुम्मे को है, और वो भी इंडिया से हारे हैं और क्या नाम है उसका साउथ अफ्रीका से हार के आ रहे हैं। वो जख्मी शेर की तरह झपट्टा मारने की पूरी अहलियत रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। उनके बैट्समैनों का जो मसला है, जो मानस लोबोशेन टेस्ट क्रिकेटर है उन्होंने मिडिल ऑर्डर में उसको एडजस्ट किया है, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा। डेविड वॉर्नर और मिशेल मार्च में, डेविड वॉर्नर तेज खेलने वाला है, मिशेल मार्च उस पर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। स्टीव स्मिथ का प्रॉब्लम भी यही है कि वो भी बहुत तजर्बेकार बैट्समैन है, लेकिन उसका जो स्टाइल है उसका स्टाइल भी एडजस्ट होके आराम से खेल के भी तेज खेलने वाला स्टाइल है, वो टाइम लेता है। ये जो इनकी तीन चार से पांच बैटिंग के नंबर है ना, ये इनके लिए बैटिंग में मसाइल पैदा कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग आउट क्लास है। मिचेल स्टार्क नए बॉल से बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहा है, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बॉलिंग देखी होगी, वहां भी उसने बहुत खतरनाक बॉलिंग की। अगर कैचिंग और उनकी फील्डिंग खराब नहीं होती तो वो मैच भी अच्छा होता और उसमें भी असर नहीं होता, लेकिन उनका असर प्रॉब्लम उनका बैटिंग बन गई है। उनके पास पैट कमिंस है, उनके पास मिचेल स्टार्क है, उनके पास जोश हेजलवुड है, उनके पास उसकी फिक्र ना करें, हमारे बॉलर्स भरपूर प्रैक्टिस देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ भी वैसे लड़ूंगा जैसे और फिर बड़ी देखें अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ जो मैच है वो चेन्नई में है, और चेन्नई की जो पिच है वो हमेशा स्पिनर्स को बहुत मदद फराहम करती है। तो ये जो तीन इनका ट्रायो है, कौन उनका ट्रायो है फेंकने वाले हैं मुजीबुर रहमान, राशिद खान
और ये जो नबी है मोहम्मद नबी, ये तीनों नबी बहुत टर्न नहीं करता, लेकिन नबी विकेट टू विकेट बॉल करता है, तीनों बॉलर विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, बहुत फंसा के खिलाते हैं। और आपको पता है राशिद खान का बाबर आजम के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है, यार बताने ये की जरूरत बाबर नहीं है, कब आवाम भी सीखेगा, जानती होगी। देख मतलब कब सीखेगा स्पिन खेलना। या मेरे ख्याल में उसको उसके ऊपर कप्तानी का इजाफी बोझ देना जो है ना, वो ज्यादती है उस खिलाड़ी के साथ, उसको मिल लेनी भी नहीं चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए थी। आप कप्तानी एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो जॉनरा है, जहां पर आपको तो पता लग जाता है। चलो लेकिन ठीक है, हटा दिया नहीं कप्तानी से, हटा दिया स्पिन खेलना ठीक रहेगा। फिर कप्तान आपका ऐसा होना चाहिए जो एग्रेसिव हो, जैसे अभी भी जो कही जा रही थी वर्ल्ड कप से पहले भी, कि शाहिन शाह अफरीदी को शायद जो है नायक बना दिया जाए। तो शाहिन शाह अफरीदी बहुत एग्रेसिव सोच का हामिल खिलाड़ी है, और फास्ट बॉलर वैसे भी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जिस तरह उसने लाहौर कलंदर को लीड किया है, उससे पहले वो कितने कप्तान कर चुके, तो वो जो हमारी भी बात हुई है उन खिलाड़ियों से जो लाहौर कलंदर के साथ होते थे या लाहौर कलंदर, तो उन्होंने हाँ बताया लाहौर कि वो बहुत, कलंदर, उसकी सोच बहुत जबरदस्त है, अच्छी है। लाहौर कलंदर जीत के नहीं दे रही थी और शाहीन को बनाया तो हाँ जीत थे। अच्छा मेरा हाँ जो ख्याल वो है, भी करते हैं, मेरा एक ख्याल है, मुझे लग रहा है वही के सिक्स अगर हमारे तो साउथ अफ्रीका इस दफा जीत जाएगी, क्योंकि ये है 13वां वर्ल्ड, 13 वैसे ही अनलकी होता है, और वो बेचारे बहुत अनलकी रहे हैं। मुझे लग रहा है उनका फॉर्म भी अच्छा है, इस दफा वो चोक नहीं करेंगे। वाली साहब, ये गेम नंबर ऑफ गेम्स का और चालें चलने का और बाजियां पलटने का स्थान आप जानते होंगे, मैं तो स्टेटिस्टिक्स या क्रिकेट पे बात इस तरह करूंगा, साउथ अफ्रीका इस टाइम बहुत बैलेंस और अच्छी टीम लग रही है। अगर उनकी बैटिंग इस तरह परफॉर्म करती रही जिस तरह कर रही है, उनके अभी देखें वो सुपर लीग आ जाता है उनके, बिकॉज बहुत अच्छा खेल रहा है इस टाइम, और पॉलसन उनका बहुत लोअर मिडिल ऑर्डर का जो 5 नंबर बैट्समैन आता है, बहुत जारे मिजाज खेलता है वो, मार्करम बहुत अच्छा खेल रहा है, वेंडी डोसन बहुत अच्छा खेल रहा है, ये सारे बैट्समैन जो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, ये सारे इनमें से कोई भी एक अगर क्लिक नहीं करता तो कोई दूसरा नीचे जाए क्लिक कर जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तेमा भुगुमा उनके बहुत अच्छे कप्तान भी हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वो बैटिंग भी कर रहे हैं, छोटे कद के बड़े खिलाड़ी जिसे कहा जाता है ना वो है, बहुत संभल के तेज भी खेलते हैं, विकेट पे जम भी जाते हैं, मुश्किल लगाते हैं बहुत जगह, हमने टेस्ट मैच में भी देखा है, वनडे में भी देखा है, T20 में भी देखा है। तो साउथ अफ्रीका नो डाउट इज अ वेरी डेंजर टीम फॉर ठीक है, ऑल खत्म द करते हैं टीम तो, हु इज और फिर पार्टिसिपेटिंग इन द मुलाकात वर्ल्ड कप। होगी बाद में, और जब तक देखते हैं पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंस देता है, बातें ठीक है ठीक तो और चलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके थैंक यू।